नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार देखने को मिल रहा है। बीते लंबे वक्त से शिवसेना जो दो गुटों में बढ़ चुकी है, ये शिवसेना लगातार यहाँ पर कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवसेना के दोनों ही गुटों के बारे में। एक तरफ है उद्धव गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुटों में इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दशहरा रैली का आयोजन हुआ और दशहरा रैली में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से 5 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिस चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त यहाँ पर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे का गुट एक दूसरे पर पलटवार कर रहा है, आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे उन दलीलों के बारे में, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार अदालत में 27 सितंबर के दिन जब शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने क्या कुछ कहा था जब वकीलों ने अपनी दलील रखी थी। उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी, दलीलों को रखा। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आखिरकार शिंदे गुट के वकीलों ने क्या कुछ कहा था। दरअसल आपको बता दें, उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया था कि चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव सिंबल के आवंटन को लेकर जो कार्यवाही चल रही है वो रुकी रहनी चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने ये दलील दी थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता का जो मसला है अभी लंबित है, ऐसे में उस पर फैसला लिए बिना चुनाव आयोग को असली पार्टी पर फैसला लेने से रोका जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरह ये भी देखा गया कि 27 सितंबर को 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने ये आदेश दे दिया कि चुनाव आयोग ही अब फैसला करेगा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा। लेकिन बात यहां पर की जाए शिंदे गुट के वकीलों के बारे में, आखिरकार शिंदे गुट के वकीलों ने क्या कुछ कहा। दरअसल आपको बता दें, शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग अपने पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लेता है। ये आयोग का संवैधानिक काम है और उसे इससे नहीं रोकना चाहिए। चुनाव आयोग के वकील यहां पर अरविंद दातार ने अपनी बात रखी कि आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। आयोग ये नहीं देखता कि कौन विधायक है कौन नहीं, सिर्फ पार्टी सदस्य पर्याप्त है। इस तरीके से यहां पर सभी ने अपनी अपनी दलीलों को रखा। लेकिन बात की जाए यहाँ पर कि आखिरकार यहाँ पर चुनाव आयोग का क्या कुछ फैसला हो सकता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर फैसला किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दोनों ही दलों की बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं और तब जाकर चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा कि आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाए। फिलहाल देखा जाए बहुमत ज़्यादा से ज़्यादा है एकनाथ शिंदे के पास, विधायक पार्षद सांसद उनके गुट में है और दूसरी ही तरफ तमाम कार्यकर्ता भी उनके गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी बीएमसी चुनाव से पहले क्या वाकई में चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा? लेकिन 18 अक्टूबर को के दिन सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। देखना दिलचस्प होगा कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर आखिरकार क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।